अशोक लैंड की जो नई बस यहाँ पर लॉन्च हुई है 13.5 मीटर में TF 2513, जी हाँ बिल्कुल, उसका फुल डिटेल वीडियो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। क्या क्या इस बस में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन रहती है, क्या यहाँ पर पावर ट्रेन रहती है, सब हम डिटेल में बात करेंगे। क्या यहाँ पर इंजन है और क्या यहाँ पर माइलेज आपको यहाँ पर रहने वाली है, पूरा वीडियो कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल किल ट्रक बॉडी समाना पर। जी हाँ, अशोक लेलैंड ने यहाँ पर 13.5 मीटर में यहाँ पर काउल चेसिस विदाउट फेस यहाँ पर बस यहाँ पर लॉन्च कर दी है। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर इंजन मिल जाता है वो ए सीरीज का यहाँ पर इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पर 4 सिलेंडर वाला यहाँ पर लेलैंड ने यहाँ पर इंजन दिया है विद IN6 टेक्नोलॉजी के साथ। ये थोड़ा सा इंजन है वो यहाँ पर लेलैंड को चाहिए था 6 सिलेंडर कर सकते थे, तो 4 सिलेंडर में यहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी सी मेरे को कट गई है। पर यहाँ पर टायर साइज यहाँ पर एक्चुअली बढ़ा दिया है 295/80R 22.5 के यहाँ पर रेडियल ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और बायो एक्सल है, 2 एक्सल की ये बस है और EGR प्लस SCR यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड के बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ पर आपको एयर क्लीनर आपको यहाँ पर मिल जाता है और मैनुअली सस्पेंडेड यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं। जो स्टेयरिंग है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और जो यहाँ पर अगर मैं सिंक्रोमैच का यहाँ पर गेयरबॉक्स आपको यहाँ पर सिंक्रोमैच का मिल जाता है। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, एनालॉग यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है लेलैंड का। और 6 गियर आगे की तरफ और एक रिवर्स गियर आपको यहाँ पर साथ में मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहीं पर लाइट्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेलैंड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पर बात करें आपको किलोमीटर पर आर, फ्यूल टैंक और RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल्स में रहते हैं। और यहीं पर हाजर्ड स्विच और यहाँ पर देख लो रिटार्डर, यहाँ पर रिटार्डर है वो नियर 123 के आसपास का रिटार्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। AC और यहाँ पर इंजन ब्रेक लाइट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ABC एक्सेसरीज की बात करें तो एक्सीलेटर यहाँ पर टोटली इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। जो ब्रेक्स है वो SKM के यहाँ पर ड्यूल ब्रेक्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आगे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क ब्रेक दिए डिस्क ब्रेक यहाँ पर लेलैंड ने किस पर्पज से लगा रहे हैं ये मेरे को नहीं पता। और यहीं पर बात करें यहाँ पर क्लच की, तो यहाँ पर जो क्लच आ रहा है डायफ्राम टाइप एयर असिस्ट हाइड्रोलिक एक्चुएशन के साथ यहाँ पर आपको क्लच मिल जाता है। चलिए अब हम चेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरा चेसिस का व्यू दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो चेसिस है वो सबसे बढ़िया बात है जो लैडर टाइप यू सेक्शन क्रॉस मेंबर का यहाँ पर चेसिस फ्रेम बनाया हुआ है। क्रॉस मेंबर्स है वो यहाँ पर साइड से यहाँ पर बोल्टेड दिए हुए, जो सेंटर से हैं वो यहाँ पर वेल्डिंग कर दिए हैं। यहाँ पर प्रेशर टैंकीज है वो सारी की सारी यहाँ पर अंदर ही माउंट कर दिए हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे हम डिस्क ब्रेक की, यहाँ पर डिस्क ब्रेक दिया और एंटी रोज बार यहाँ पर आपको साथ में यहाँ पर मिल जाते हैं। और 48 लीटर का यहाँ पर आपको डीप टैंक यहाँ पर मिल जाता है इंग्लिश का। और यहीं पर आ जाता है पंप, यहाँ पर डीजल पंप आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो डीजल टैंक की ऑप्शन की बात करें तो डबल टैंक डबल ब्रैकेट के साथ डीजल टैंक यहाँ पर आपको मिल जाता है और 220 लीटर की कैपेसिटी का ये होने वाला है। चेसिस की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 5 mm की यहाँ पर थिकनेस के साथ यहाँ पर चेसिस आ रही है गाड़ी के। यहाँ पर रियर सस्पेंशन की, तो रियर में जो सस्पेंशन दिया वो यहाँ पर एयर बैलून यहाँ पर एयर सस्पेंशन यहाँ पर दी हुई है। 4 बैलून्स यहाँ पर दिए हुए हैं और बाकी टायर साइज तो ट्यूबलेस टायर्स हैं। पीछे भी आपको यही 295/80R 22.5 के यहाँ पर टायर साइज आपको आते हैं। स्टॉपर्स यहाँ पर आपको साथ मिल जाते हैं 13.5 मीटर की गाड़ी की यहाँ पर बस की यहाँ पर लेंथ है। पीछे यहाँ पर आपको LED लाइट्स यहाँ पर साथ मिल जाते हैं। प्लस साथ में यहाँ पर जो आपको बॉक्स मिल जाता है उसमें आपको यहाँ पर सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि बजर के तौर पर काम करते हैं। उनकी यहाँ पर वायरिंग अलग से यहाँ पर निकाली हुई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सेम साइड और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर इस तरह से माउंटेन यहाँ पर मिलता है। और जो यहाँ पर कट ऑफ स्विच है वो यहाँ पर जो लाइनिंग है इलेक्ट्रिकल लाइनिंग है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा में दी हुई है और सारी यहाँ पर कनेक्टर साइड दी हुई है। ड्राइवर साइड यहाँ पर टोटली जो पाइपिंग डीजल की है और यहाँ पर प्रेशर की पाइपिंग यहाँ पर ड्राइवर साइड दी हुई है। कनेक्टर साइड यहाँ पर टोटली इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर काम किया हुआ है। 2 बैटरीज है 12-12 वोल्ट की, 24 वोल्ट का जो करंट यहाँ पर आपको दे देती है। और आगे में जो सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर सेमी इलिप्टिकल डिस्क आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देख दो चेसिस की, अगर यहाँ पर मैं आप अप्रूवल टाइप यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहीं पर GVW आप फ्रंट लोड 7000 किलो और पीछे 11500 किलो यहाँ पर देखते हो, 18500 का GVW इस बस में यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बस की यहाँ पर प्राइस टैग की बात करें तो 32-33 लाख का ये आपको यहाँ पर बस यहाँ पर मिल जाता है। और ओवरहैंग की बात करें तो 2265 mm की ओवरहैंग यहाँ पर मिल जाती है। रही बात इस गाड़ी का, यहाँ पर सबसे मेन है जो इंजन है,
इस गाड़ी में ए सीरीज का 4 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है, जो कि आपको पावर देता है 185 किलोवाट की और मैक्सिमम टॉर्क आपको यहाँ पर दे देता है 900 न्यूटन मीटर की। ट्रांसमिशन आपको 6 स्पीड आपको मैंने पहले बताया, और फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो आपको 2 सस्पेंशन मिल जाती है, रबर एंडेड लीफ स्प्रिंग्स प्लस एयर सस्पेंशन अगर आप चूज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर मेरे हिसाब से इस गाड़ी की जो माइलेज होने वाली है वो नियर अबाउट 4 to 4.8 के समथिंग की आने वाली है, 5 तक नहीं जाएगी। कंपनी ये दावा करती है कि 6 के आसपास जाएगी, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 और 4.25 के आसपास इस गाड़ी की यहाँ पर माइलेज होगी। 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कटौती हो जाती है, और जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रो मैच का यहाँ पर 6 स्पीड का यहाँ पर गियर बॉक्स है। और गियर बॉक्स में एक खास बात ये है कि यहाँ पर वायरिंग का गियर बॉक्स कर दिया, जो रॉड्स है वो यहाँ से निकाल दिए, टोटली यहाँ पर वायर गियर बॉक्स है, ये बहुत बढ़िया किया है। इसमें क्या होता है गियर्स आसानी से डलते हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ये थोड़ी चीज़ ज़्यादा बढ़िया कर दिया। पर आजकल ये सभी कंपनी, जैसे सबसे पहले यहाँ पर बेंज में आया था, बेंज के बाद महिंद्रा ने कॉपी किया, अभी टाटा लेलैंड सब में आ रहा है, ये कॉमन बात हो गई है। अगर आपको इस चेसिस का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मेरा कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार मैं आपको यहाँ पर जरूरी यहाँ पर चेसिस का रिव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। फिनिशिंग क्वालिटी लाजवाब है चेसिस की।